10 ऐसे कॉलेज जहाँ से अगर आप BMS करके निकलते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा आप डॉक्टर बनके निकलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में 10 ऐसे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वहाँ से आप BMS करते हैं, आप नीट के बाद अगर इन कॉलेजेस की चॉइस रखते हैं तो आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा, आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट कॉलेजेस हैं और अगर आप यहाँ से BMS करते हैं तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर आप बन सकते हैं, आयुर्वेदा की फील्ड में आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स मैं इसमें रखूंगा किस किस बेसिस पे ये बेस्ट कॉलेजेस बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है कि कौन सा बेस्ट है क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, प्लस वहाँ पे क्लिनिकल नॉलेज आपको कितनी अच्छी मिलती है, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना अच्छा मिलता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे अच्छा मिलता है, रिसर्च वर्क बहुत अच्छे होते हैं, बाकी लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं जहाँ से आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं बट बाकी यूनिवर्सिटीज से आपका कनेक्शन होता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला कॉलेज आता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी नीट की प्रिपरेशन करता है, चाहे उसको MBBS चाहिए या BMS चाहिए, सबसे पहली चॉइस होती है BHU। ये 105 साल पुराना कॉलेज है और ये इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है जहाँ पे BMS एक सेक्शन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे एलोपैथ भी है, आपके MBBS के स्टडीज़ भी हैं, BMS भी हैं। तो वहाँ पे जो BMS सेक्शन है वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। मेरे को BHU के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मॉडर्न प्लस एज वेल एज आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ की OPD, सर्जरी, सब चीज़ इस नेक्स्ट लेवल है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें की जाती हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप मिलता है आपको। दूसरा कॉलेज आता है NIA जयपुर। NIA जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये एक कॉलेज है जो स्पेसिफिकली आयुर्वेदा के लिए बनाया गया है और ये जयपुर में है और ये भी एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिनाउंड कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। और अभी कुछ टाइम पहले भी मोदी जी ने यहाँ पर एक मीटिंग करी थी जिसमें आयुर्वेद के बारे में डिस्कस किया गया था। यहाँ पे बहुत अच्छे रिसर्च वर्क किए जाते हैं, कोविड से रिलेटेड भी काफ़ी रिसर्च वर्क यहाँ पे चलते रहते हैं और अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको मेडिसिन प्रिपरेशन से लेकर आयुर्वेद की प्रैक्टिस तक आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। उसके बाद आता है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। अगर आपको आयुर्वेद की फील्ड में बहुत अच्छा काम करना है और बहुत अच्छा आपको सीखना है, चाहे वो शास्त्रोत्र हो या आयुर्वेद की पूरी डीप नॉलेज आपको चाहिए, तो ये एक कॉलेज है जिसको आप चॉइस ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको आप ज़रूर अपने प्रेफरेंस में रखिए। उसके बाद आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज, ये दिल्ली में है। अगर आपको रिसर्च वर्क करना है, इस कॉलेज के बहुत सारे कनेक्शंस हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और ये कॉलेज बाकी इंडिया से बाहर भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं जिनके साथ अलाइड वर्क करता है, रिसर्च वर्क करता है, तो इस कॉलेज में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे OPD लेवल पे और IPD लेवल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज बहुत अच्छा है, आप इसको अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसके बाद आता है TBI मेडिकल कॉलेज। TBI मेडिकल कॉलेज ये भी दिल्ली में है, ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कॉलेज है और यहाँ पे MD भी है और ये अकेला ऐसा कॉलेज है जिसकी स्टाइफंड MD में सबसे हाईएस्ट होती है। यहाँ पे भी MBBS कोर्स है, यहाँ पे आपको मॉडर्न साइंस प्लस आयुर्वेद दोनों सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी मॉडर्न होल्ड आपका रहेगा। जितने भी एलोपैथिक सब्जेक्ट्स हैं, जो भी MBBS के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी उस फील्ड में भी आपको इतना अच्छा होल्ड मिलेगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर गेन होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलेजेस DY पाटिल। DY पाटिल एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ का एजुकेशन लेवल, फैकल्टी लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बहुत अच्छी जगह पर है पुणे में, तो यहाँ पे भी इसको आप प्रेफरेंस में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है SDM हसन। SDM हसन ये बैंगलोर में है ये कॉलेज और इस कॉलेज में आप सभी सर्जरी सीख सकते हैं। यस, आयुर्वेद की जितनी भी सर्जरीज हैं इस कॉलेज में आप सीख सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक रिनाउंड कॉलेज है।
रिलेटेड टू सर्जरी, आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लस सर्जरीज आप इस कॉलेज में बहुत अच्छी सीख सकते हैं। तो इसको एज अ प्रेफरेंस आप जरूर रखें अगर आपका सर्जरी में इंटरेस्ट है, और यहाँ पे भी MD अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉलेज इज ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, ये कॉलेज हरिद्वार में है, ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, और यहाँ पर अगर आपको मर्म चिकित्सा से रिलेटेड सीखना है, द पॉइंट्स, द वाइटल पॉइंट्स जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ आप सीख सकते हैं। मेडिसिन प्रिपरेशन आप यहाँ पे सीख सकते हैं, यहाँ पे बहुत पुरानी फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी आयुर्वेद में होल्ड बहुत अच्छा है। तो अगर आपको आयुर्वेद सीखना है, आपको मर्म चिकित्सा सीखनी है, तो आपको जरूर इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री BM कंकावाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज, या जिसको हम KLE कॉलेज भी बोलते हैं, ये कर्नाटका में है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अंदर इसकी OPD IPD बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं ये आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बाकी हॉस्पिटल्स में भी भेजते हैं, आपको सिटी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको ड्यूटी लगाते हैं, वहाँ पे आप सीखते हैं। फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे क्लिनिकल सब्जेक्ट सीखने शुरू हो जाते हैं, और बहुत अच्छे यहाँ पे स्टडी पैटर्न है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सेमिनार्स भी होते हैं, तो ये भी आपको ज़रूर प्रेफरेंस में रखना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे सारी चीज़ें की जाती हैं। तो KLE आयुर्वेदिक कॉलेज ये बहुत अच्छा एक कॉलेज है। उसके अलावा लास्ट कॉलेज इज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज है बैंगलोर में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आयुर्वेद से रिलेटेड, मॉडर्न से रिलेटेड यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सिखाया जाता है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस मैंने बताए हैं, कुछ 10 लिस्ट मैंने जो आपको बताई, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं जो इंडिया में माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज में और ऐड करना चाहूँगा इसके अलावा, जब आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो मैं एक कॉलेज और बताना चाहूँगा, भारतीय विद्यापीठ बहुत अच्छा एक कॉलेज है। यहाँ पे आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे सीखने को मिलेंगे, पेशेंट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर अपने प्रेफरेंस में रखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक आप बार बार पूछ रहे थे कि क्या बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं BMS करने के लिए, BMS का स्कोप है, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने प्रेफरेंस में BMS का ज़रूर रखें। और आप अगर इन कॉलेजेस से हैं तो डू कमेंट इन आर सेक्शन, और अगर आपको किस कॉलेज से हैं, आप जो भी कॉलेज से आप BMS कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए हमें आप कौन से कॉलेज से आप BMS कर रहे हैं। सो लेट अस नो, एंड थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग तुलसी आयुर्वेदा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तुलसी आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच गाइस।